अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज हम जिस मोबाइल का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है वीवो V23। सो अगर हम बात करें वीवो V23 की, अनदर वी सीरीज स्मार्टफोन है। स्मार्ट टेक वीवो इज वर्किंग ऑन V23 स्मार्टफोन। वीवो V23 इज स्मार्ट टेक वीवो। Vivo is launching new headset this month. This newcomer will be successor of Vivo V21 5G, which was launched this year. This coming smartphone will be in the mid-range segment and called a Vivo V23. अगर हम इसकी प्राइस एटसेट्रा की बात करें तो ये हमें पाकिस्तानी 1 लाख PKR में देखने को मिलता है। और अगर हम इसके फीचर्स एटसेट्रा की बात करें, दी चिपसेट डेट इज गोइंग टू पावरफुल दी अपकमिंग स्मार्टफोन विल बी मीडिया टेक डेमिनेस्टी डॉट 20 SoC के साथ हमें देखने को मिलता है। दिस इज अ पावरफुल चिपसेट डेट हैंडसमली हैंडल्स ऑल दी स्पेक्स ऑफ अपर क्लास स्मार्टफोन टू गिव मोर पावर टू दी वीवो V23। देर इज अ 2.45 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर इंस्टॉल अंडर दी हुड ऑफ दिस हेडसेट। Also, the device has got a GPU in Mali G68. The smartphone got the taste of the AMOLED capacitive touchscreen display, which is exclusively made for the devices of this brand. The screen size for this smartphone is 6.44 inches. Vivo V23 is going to have a full HD display with a resolution of 1080x2400 pixels. The SoC of the headset is paired with 12 GB of RAM. The chipset at the RAM of the Vivo Sharp V23 will make the processing speed of the phone lightning fast. The internal storage of the capacity of the device is 256 GB. There is enough storage of capacity that will give you enough space to store a large amount of data for future use. The Vivo has got The smartphone has got a triple camera setup on the rear. The main camera will be 64 MP and the 8 MP 2 MP on the front facing. On front facing there is also a protector rear data, and it has under display optical fingerprint scanner. The V23 is fueled with a powerful battery of 4200 mAh capacity. It means you can use the smartphone V23 for a long period of time. Moreover, there is a fast battery charging of 44W in V23 by Vivo. There is upcoming new Vivo V23 will be a competitor of Samsung, as the specs looks quite impressive. So, अगर मैं आपको इन डिटेल बताता चलूँ, इन डिटेल सारी स्पेसिफिकेशन बताता चलूँ, तो बिल्ट इन OS का इसके अंदर Android 12 OS पाया रहता है, UI for Touch OS 12 आता है। वेट की बात करें तो 179 ग्राम इसका वेट है। सिम ड्यूल सिम सपोर्टेड है। ड्यूल सिम स्टैंड बाय है। कलर सनशाइन गोल्ड और स्टारडस्ट ब्लैक है। 5G बैंड सपोर्टेड है। प्रोसेसर CPU ऑक्टा कोर है 2.5 GHz का। और चिपसेट की अगर मैं बात करूँ तो मीडिया टेक डिविडेस्टी 925G 6 nanometer इसका चिपसेट है। GPU की अगर हम बात करें तो बेली G68 MC4 इसका एस्ट्रोक प्रोसेसर GPU इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 inches इसकी डिस्प्ले है। मेमोरी की बात करें तो बिल्ट इन मेमोरी इसकी 256 GB बिल्ट इन है, 12 GB रैम के साथ आता है, प्लस 4 GB एक्सटेंडेड रैम के साथ। एक्सटर्नल कार्ड नहीं होता इसके अंदर। मेन ट्रिपल कैमरा 64 MP फेस डिटेक्शन, टच फोकस, जियो टैगिंग, HDR पैनोरामा वीडियो 4K 30 FPS में देखने को मिलती है। अगर हम इसकी बैटरी हेल्थ की बात करें तो नॉन रिमूवेबल 4200 mAh की एक स्ट्रॉन्ग बैटरी विद अ लॉन्ग बैकअप टाइम के साथ हम देखने को मिलती है। विद अ फास्ट चार्जिंग 44W का हमें इसके साथ फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि 1 to 68% विद इन 30 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है। सो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1 lakh PKR, और अगर हम डॉलर्स में बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट $347.22। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।